देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच यह है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।